हेलो बच्चों टेस्ट सीरीज़ फॉर 2022 के नंबर में आपका स्वागत है आज इस टॉपिक में ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंट्स वेव थ्योरी एंड किया गया है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एंड द इमेज ऑफ द क्लॉक इन मीर इफ रीड इंडिकेट्स द्वेंटी वट इज द टाइम इन द क्लॉक इज ओके तो काफी आसान क्वेश्चन है ये तो इस पर बेस्ड एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है कि अगर एट है इधर ट्वेंटी है आर में ए, एट दे रखा है और मिनट में ट्वेंटी दे रखा है तो सिंपली आर में जो भी वैल्यू है उसको इलेवन में से कर दीजिए और मिनट में जो भी वैल्यू है ट्वेंटी उसको सिक्सटी में से सब्रक कर दीजिए तो इलेवन माइनस एट थ्री हो जाएगा एंड सिक्सटी माइनस ट्वेंटी फोर्टी हो जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं

क्वेश्चन ट थ्री इमेजेस ऑफ द सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ तो सिंपल सी बात है देखो मिनिमम जो है अपन को यहाँ पर सॉरी थ्री इमेज जो है वो फॉर्म करनी है तो so, बहुत ही स्पेशल केस है 90 डिग्री वाला 90 डिग्री एंगल के केस में नंबर ऑफ इमेज जो है वो थ्री बनती है तो so, ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चले A man is six feet tall. In order to see his entire image, he requires a plane mirror of minimum length equals to. तो अगर man की height अगर कुछ भी हो h है, तो minimum जो height होनी चाहिए mirror की, वो h by two होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी complete image को देख सके. तो इसमें correct option जो है, six feet है, इसके according answer जो है, वो three feet हो जाएगा. चलिए next question पे चलें. Question number four.

फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो हम पॉजिटिव लेते हैं always. तो प्लस हो गया तो माइनस का ओवर एफ उधर जाएगा ओवर ओवर बाय हो जाएगा सो वी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन नंबर सिक्स द इमेज मिरर ऑफ फोकल लेंथ सिक्स सॉरी लेंथ थर्टी सेंटीमीटर इज एक

तो यहां जो मैग्निफिकेशन है एम इज इक्वल टू माइनस बी बाई होता फॉर्मूला है तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो मैंने यहां पर X कर ली तो विद साइन कन्वेंशन अपन इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस एक्स और वी जो है वो हमें फाइंड आउट करना है और एम की वैल्यू जो है वो वन बाय फोर हो जाएगी तो यहां से वी की वैल्यू कितनी आई एक्स बाय फोर तो ये जो इमेज है वो एक्स बायर डिस्टेंस पर फॉर्म होगी वो मतलब पॉजिटिव मतलब बोले तो इस तरफ अब हम अप्लाई करेंगे यहां, तो जो 30 यहां पुट कर दी मैंने थ्री बाय एक्स इज इक्वल टू वन बाय थर्टी देन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा नाइनटी सेंटीमीटर तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका सेकेंड हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल रियल इमेज देखो कॉनकेव मिरर जो है उसमें ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज रियल कब बनती है जब तक ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में ना जाए तो फोकस और इन्फिटी के बीच में कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो इमेज रियल ही फॉर्म होती है और ये पूछा है कि इसमें ऑब्जेक्ट की इमेज रियल बन रही है ऑब्जेक्ट खुद रियल है उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी तो ये बहुत ही सिंपल सा केस है अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फॉर्म होती है तो उसके दोनों के बीच में जीरो ऑप्शन को तो करेक्ट ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले एल्यूनस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉंग द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ मीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर

और इसकी तरफ ही ये मूव कर रहा है यू स्पीड से या कोई भी स्पीड है ट्वेंटी सेंटीमीटर सॉरी फोर सेंटीमीटर पर सेकेंड अपन को स्पीड गिवन है ये कंडीशन हमें दे रखी है तो हम है पर तो इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो मिरर फॉर्मुला है इमेज फॉर्मेशन के लिए 1 v 1 U 1 F होता है इसका अगर मैं टी के रेस्पेक्ट एंड डिफ्रेंशिए करूँ तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस वन ओवर वी स्क्वे वन ओवर एफ कॉन्स्टेंट इसका डिफ्रेंशियन जीरो हो जाएगा तो इसका भी सेम ही पैटर्न से आएगा इस तरफ ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा वन ओवर यू स्क्वायर डी बाय बाई ये वैल्यू आ गई डी बाय बाई है वेलोसिटी ऑफ इमेज ठीक है विद रिस्पेक्ट टू मिरर तो इसको मैं कैपिटल वी आई लिख देता हूँ यहाँ आ जाएगा माइनस वी स्क्वेयर बाई यू और इंटू में डी यू बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर हो जाएगा जिसको मैं कैपिटल वी लिख देता हूँ ठीक है यहाँ तक अब इसमें वीआई की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और इसकी फोकल लेंथ जो है यहां से कौन के मीर की वो ट्वेल्व सेंटीमीटर है ठीक है फोकल लेंथ ऑफ़ ऑफ़ मिरर सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तो माइनस का ट्वेल्व हो जाएगा इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं ओवर ट्वेंटी माइनस वन ओवर ट्वेल्व आ जाएगा ये 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 तो तो की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का सेंटीमीटर तो जो इमेज है वो माइनस थर्टी सेंटीमीटर फॉर्म होगी ये वैल्यू अपन यहां रख देते हैं माइनस थर्टी माइनस ऑलरेडी बाहर है और यू जो है वो माइनस का ट्वेंटी है ठीक है इसका स्क्वेयरिंग कर दिया बोथ साइड वेलोसिटी ऑफ़ ऑब्जेक्ट जो है वो 20 है वो सेंटीमीटर द मीर तो अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू भी हमें पॉजिटिव रखनी है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन प्लस का फोर आ जाएगा तो माइनस नाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड अब माइनस नाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड का मीनिंग ये है, जो इमेज है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रही है ठीक है तो वेलोसिटी जो है वो नाइन सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ओके नाइन्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज काफी सिंपल क्वेश्चन है वर्चुअल इमेज कौन नहीं फॉर्म करता है देखो प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स मिरर से भी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो सकती है ठीक है क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट अगर फोकस और

लाइट रे जब भी आएंगी स मीर पर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मीर लाइट रेज डाइवर्ट होती है फैलती है तो इसका जो उल्टा भी है वो भी पॉसिबल है वो भी अपन कह सकते हैं अगर लाइट रेज काफी लार्ज वाइड रेंज से अगर आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मीर वो लाइट रेज कन्वर्स हो सकती है इसका मतलब इसका फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज्यादा होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेर इज एफ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज एक्स ओके मीर की फोकलेंथ अपन को एफ दे रखी है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंपल फोकस इज एक्स तो कॉनके मीर इसका फोकस है कॉनके मीर का और इससे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो मैंने यहां पर ठीक है ऑब्जेक्ट ओ इसकी डिस्टेंस फोकस से एक्स है

U की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स प्लस और ये mirror है तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव हो जाएगी प्लस एफ ओके तो ये माइनस देन माइनस एक्स माइनस एफ एफ से कैंसिल f हो गया तो वी की वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स प्लस एफ अपन में माइनस एक्स तो ये v की वैल्यू आ जाएगी यहां से तो

एफ ओपन एक्स इसमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो कि सेकंड ऑप्शन है अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को फोकस से ठीक है फोकस से अगर इस तरफ रखता ठीक है क्योंकि इसने इमेज के बारे में दे नहीं रखा कि इमेज कैसी है रियल है कि वर्चुअल है कुछ नहीं बता रखा तो अगर एफ से इस तरफ रखता है एक्स डिस्टेंस पर तो ये जो डिस्टेंस है वो एक्स माइनस की बजाय एफ माइनस हो जाती है तो यहां पर एफ माइनस आता यहां पर एफ माइनस आता तो उसके इसमें यहां पर भी एफ माइनस आता एफ माइनस एफ माइनस एक्स रखते अपन यहाँ पर तो ये एफ प्लस का हो जाता ठीक है लेकिन जो नहीं हालांकि एफ पहले भी प्लस का ही था तो एफ प्लस का मतलब माइनस का होता तो एफ से एफ कट जाता लेकिन एक्स प्लस का हो जाता इस केस में एक्स प्लस का होता तो ये एक्स आता प्लस का ये इससे कटता और डिस्टेंस जो वो ऑलरेडी नेगेटिव होती तो ये वाला पार्ट तो वैसे भी कट जाता क्योंकि एफ माइनस एक्स उसमें भी आता ये वाला पार्ट कट जाता तो एफ की एफ अपन एक्स के बराबर ये वैल्यू आती उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन क्वेश्चन 12 इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रियल ऑब्जेक्ट की इमेज ऑलवेज वर्चुअल बनाता है ठीक है और स्मॉल साइज होती है है ना और वर्चुअल होती है स्मॉल साइज होती है तो यहाँ पर और जो इरेक्ट भी होती है तो वर्चुअल है रियल नहीं होती है इनलार्ज नहीं होती है इन्वर्टेड नहीं होती है तो ये तीनों ही ऑप्शन में इनकरेक्ट हो जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा नॉर्मली अगर पूछे तो हम ऑब्जेक्ट को रियली मानते हैं अगर कुछ नहीं देखा हो तो उस केस में तो इसका करेक्ट क्वेश्चन जो है ट्वेल्थ है ट्वेल्थ का फर्स्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले ओके ए होरिजोनटल लाइट रे ए होरिजोनटल लाइट रे पासिस थ्रू ए प्रिजम मी इक्वल्स

तो ये प्लेन मिरर वर्टिकल है रखा हुआ है इसे अब मिरर को अगर हमें रिफ्लेक्ट होगा तो लाइट रे इधर जाएगी ना तो अगर मिरर को मुझे इस तरफ रोटेट करें अगर मैं इस तरफ रोटेट करूं तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी इसी डायरेक्शन डाइविएट होगी हम अच्छे से जानते हैं मिरर अगर थीटा एंगल से रोटेट हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है टू थीटा एंगल से डाइविएट होती है तो अगर ये हॉरिजॉन्टल हो जाए अगर ये लाइट रे अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए तो सीधी सी बात है ये अगर टू डिग्री से यहाँ पे आ रही है लाइट रे ठीक है तो ये लाइट रे का डाइविएशन कुछ इस तरफ होना चाहिए सीधा स्ट्रेट अगर यहाँ से अगर अपन देखें तो ये डेल्टा है तो ये वाला भी डेल्टा होगा और ये वाला भी डेल्टा होगा तो से अभी ये डेल्टा एंगल मतलब बोले तो डिग्री एंगल नीचे जा रही है तो अगर मुझे मिरर को थीटा एंगल में रोटेट करूंगा और ये राइट रे अगर पैरेलल हो जाए तो उस केस में डेफिनेटली ये थीटा एंगल से लाइट रे डाइवियट होगी एंड ये टू थीटाजल टू डेल्टा होना चाहिए टू थी टू डेल्टा ठीक है तो ये टू थीटा के बराबर हो जाएगा एंड थीटा टू कितना वन डिग्री आ जाएगा तो मिरर को हमें वन डिग्री रोटेट करना पड़ेगा तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा

और एंगल ऑफ प्रिजम जी जो है वो मिनिमम डेविशन के बराबर है इसका मतलब डेल्टा मिनिमम के लिए एक्वल टू टू आई माइनस हम्म तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ गई एक वैल्यू पूछिए अपन से देखिए आई एंगल के साथ लाइट रे इंसिडेंट होती है और फिर लाइट रे अंदर प्रिज्म के अंदर पास हो रही है

तो यहाँ से टू और म्यू की वैल्यू हमें दे रखी रूट थ्री तो म्यू की वैल्यू रूट थ्री रख दिया यहाँ यहां पर रूट थ्री बाई टू आ जाएगा कोस ए बाई टू इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू थर्टी डिग्री पे होता है तो ये वाला एंगल जो है मतलब थर्टी डिग्री होना चाहिए वो सिक्सटी डिग्री आ जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन फोर्टीन का फर्स्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन

बेस के एकदम पैरल जाएगी कुछ ऐसे ये दोनों एंगल बराबर होते हैं ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं तो सिमेट्रिकली ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे तो ये वाला ट्रायंगल और बड़े वाला जो ट्रायंगल है दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो उसके केस में ये वाला जो लाइन है ये लाइन इसकी एकदम जस्ट पैरेलल होगी तो क्यू आर मस्ट बी हॉरिजॉन्टल थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 ए प्रिज्म हैज ए रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री इफ इट प्रोड्यूसेस ए मिनिमम डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री इन एन इंसिडेंट रे ओके एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू अगेन पूछी है वैसा ही क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिंग एंगल बोले तो प्रिज़म uh, एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री और मिनिमम डिफ्लेक्शन जो है डेल्टा मिनिमम 30 डिग्री गिवन है ठीक है और हमसे एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछा है आई की वैल्यू पूछी है तो ये काफी सिंपल है डेल्टा मिनिमम अभी बताया था मैंने टू आई माइनस ए इक्वल होता है आई की वैल्यू हमसे पूछी है ए की वैल्यू 60 है डेल्टा मिनिमम की वैल्यू 60 है यहाँ पर ठीक है आ, तो ए इज इक्वल टू सिक्सटी तो ये सिक्सटी यहां रख देंगे डेल्टा मिनिमम की वैल्यू थर्टी तो ये थर्टी ये सिक्सटी माइनस सिक्सटी दे जाएगा नाइनटी हो जाएगा नाइन्टी बाई टू आई आ जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी नाइनटी बाई टू फोर्टी फाइव डिग्री तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका ंगल फोर डिग्री मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफेक्ट वन पॉइंट फाइव टून प्रीजम्लासम कैलकुलेट करना है क्यू का और इसमें कंडीशन क्या है डिस्पर्जन विदाउट डाइविए मतलब होना चाहिए लेकिन डायविशन नहीं होना चाहिए तो ये प्रीजन के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो डायविशन मतलब मेन डायविशन जीरो होना चाहिए डेल्टा वाई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए डेल्टा वाई अब कितना आएगा देखिए डेल्टा वाई जो है दोनों प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा विच इज म्यू वाय माइनस वन इंटू ए वन माइनस म्यू वायनस uh, वन इंटू ए टू इज इक्वल टू जीरो वन के लिए म्यू वाई वन है ये प्रिज्म म्यू वाई टू है तो मीन जो वैल्यू होती है म्यू की वो येलो कलर के लिए होती है ठीक है तो यहां पर इन दोनों को जीरो करें तो ए टू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू वाई वन माइनस वन इन ए वन और अपॉन म्यू वाई टू माइनस वन और म्यू वाई वन की बात करें तो म्यू वाई वन अपन को दे रखा है और माइनस वन करेंगे तो पॉइंट फाइव फोर बचेगा और डिवाइड में म्यू वाई टू जो है है तो वन सब टैक करेंगे तो पॉइंट सेवन टू बचेगा और ए वन जो है वो फोर डिग्री हमें है तो इसे कट कर देते हैं ये यहां से जो भी है कट जाएगा फोर आ जाएगा फिफ्टी फोर बाय सेवेंटी टू इंटू फोर तो यहाँ पर हम कर सकते हैं नो uh, से कट हो जाएगा नो से काटें तो कितना आ जाएगा नो इंटू सिक्स फिफ्टी फोर होता है नो इंटू एट सेवेंटी टू होता है ठीक है और यहाँ पर ये थ्री एंड देन जो है फोर आ जाएगा फोर से फोर कैंसिल आउट हुआ थ्री डिग्री आके तो सिंपल कैलकुलेशन है तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें डाइवर्जिंग okay. लेंस uh, जो होता है उससे जो इमेज बनती है रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही बनती है क्योंकि यहाँ पर कॉन्केव लेंस की बात हो रही है तो कॉन्केव लेंस अगर अपन लें, इसके सामने अगर मैं ऑब्जेक्ट रखू तो इमेज वर्चुअल ही बनेगी, रियल ऑब्जेक्ट अगर है तो. ठीक है तो अब यहां पर कौन सा ऑप्शन हमें चेक करना है देखिए इसको ऑप्शन से अपन डायरेक्ट करते हैं तो बेटर रहेगा जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो अगर ऑब्जेक्ट अगर लेंस के काफी नजदीक रख दें हम यू की वैल्यू जीरो कर दें तो हमेशा ध्यान रखना वी की वैल्यू जीरो ही आएगी ठीक है वी की वैल्यू ऑलवेज इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी और लेंस के जस्ट पास में बनेगी यहां पर इमेज ऑलवेज वर्चुअल बनती है अगर u की वैल्यू जीरो है तो तो u जीरो है तो वहां v जीरो होना मस्ट है ये कंफर्म है और वो इन तीनों में से किसी में भी नहीं आ रहा यहां पे देखो तो u अगर जीरो है तो v यहां पर इंफिनिटी जा रहा है v बाई f एफ तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो v बाई एफ इन्फिनिटी जा रहा है तो ये इनकरेक्ट हो गया ये वाला इनकरेक्ट हो गया ये वाला इनकरेक्ट हो गया, गया। केवल इसमें ही मैच हो रहा है तो यहां पर u 0 पे v 0 आ रहा है तो ये मैच हो रहा है यहां पर उसके अलावा अगर इसको देखें आगे ये कह रहा है कि u की वैल्यू अगर इंक्रीज करें इनफाइनाइट की तरफ जाएं तो v जो है v बाई एफ जो है 1 हो जाएगा तो U अगर इन्फिनिटी जाएगा सीधी सी बात U अगर इन्फिनिटी कर दें तो हमें पता है इमेज फोकस भी बनती है तो f v e की वैल्यू f हो जाएगी f बाई f की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन आ जाएगी तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ओके okay. A lens made of glass of refractive index 1.5 has a focal length of 10 cm in air and 50 cm when completely immersed in a liquid, then the refractive index of the liquid is. Okay. Okay. Question number 19. रह गया था क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं इन द फिगर एन एयर लेंस ऑफ द रेडाई ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर आर वन आर टू की वन है इसका टीन ए सिलेंड्रिकल सिलेंडर ऑफ ग्लास ओके म्यू 1.5 पॉइंट द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ द लेंस इज ओके तो यहां पर ये एयर है बीच में और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी फोकल लेंथ पूछिए तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला वन अपॉन एफ लेंस मेकर फॉर्मूला

तो 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 ये ये कितना जाएगा minus का 1 by 3, okay? ये आ जाएगा का का ओके और आ आ आ पर हमारे पास आ गई फोकल तो नेगेटिव रही है इसका मतलब जो लेंस है वो कैसा है कॉनकेव है ठीक है डाइवर्जिंग नेचर का है और फिफ्टीन तो सेंटीमीटर इसका कौन सा हो जाएगा फिफ्टीन फर्स्ट जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

ठीक है और ये एफ की जो वैल्यू वो टेन है तो इसको लिखा जा सकता है 1, ये 1 by 2 आ जाएगा ठीक है और यहां पर इंटू में अल्फा आ गया ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई दूसरा इसको अगर लिक्विड के अंदर इमर्ज किया तो फोकल टू तो लेंस का तो थ्री बाई टू है माइनस वन ब्रैकेट में बाहर एल्फा एल्फा वही सेम है अब यहाँ इन दोनों को इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर तो एल्फा की वैल्यू अगर देखें यहाँ सेल्फा यह तो की वैल्यू वन बाई फाइव आ गई ये यहाँ रख देते हैं अपन तो एल्फा की वैल्यू वन बाई फाइव ओके वन बाई फाइव आ गया तो यहाँ पर यह वैल्यू आ गई फाइव से फाइव कैंसिल आउट हो गया टेन हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन वन इज इक्वल टू यह आ जाएगा टेन बाई टू मतलब इलेवन फिफ्टीन

अगर हम फाइंड आउट करें दोनों लेंस की जैसे 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर की जो पावर होगी वो 100 बाई ट्वेंटी हो जाएगी विच इज 5 ओके हंड्रेड बाई ट्वेंटी के बराबर और यहाँ 25 है तो 25 की बात करें तो 100 बाई ट्वेंटीड बाई ट्वेंटी मतलब 4 हो जाएगा तो 4 एंड 5 दोनों जो डायोक्टर के अंदर वैल्यू है और दोनों लेंस को जब आप कंबाइन करेंगे तो इफेक्टिव पावर जो पी वन हो जाती है टू जाती मतलब नाइन डायोक्टर इसका आंसर आ जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा

requires spectacles to enable to see clearly things at a distance of 30 cm what should be the focal length of the spect uh, spectacles okay देखिए तो एक person को 10 cm पर जो इमेज दिखती है वो क्लियर दिखती है और उसे 30 cm के जो objects हैं उनको clearly देखना है ठीक है तो object हमें 30 cm पर रखना है और इमेज कहां पे बननी चाहिए इमेज बननी चाहिए 10 सेंटीमीटर पर ठीक है तो इमेज टेन सेंटीमीटर बनानी है ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है थर्टी सेंटीमीटर पर तो फोकल लेंथ हमसे पूछी है तो काफी आसान है ये लेंस यहां पे जो भी है हम लेंस का पता करते हैं देखो तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट और इमेज बनानी है टेन सेंटीमीटर पर तो वन ओवर वी ऑब्जेक्ट है टेन सेंटीमीटर पर मतलब माइनस का टेन माइनस वन ओवर यू यू बराबर आ जाएगा माइनस का थर्टी इज इक्वल टू वन ओवर एफ प्लस माइनस वन ओवर टेन प्लस वन ओवर थर्टी तो यहां से एलसीएम आ जाएगा अपने पास थर्टी या जाएगा वन माइनस थ्री ओके तो माइनस का टू बाई थर्टी मतलब सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी तो इसका मतलब मिरर लेंस कैसे होना चाहिए कॉनकेव और फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए फिफ्टीन सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव फॉर ए टेलीस्कोप लार्जर द ऑब्जेक्ट लेंस ग्रेटर इज द रिजोल्विंग पावर स्मॉलर इज द रिजोविंग पावर ग्रेटर इज द मैग्नीफाइंग पावर स्मॉलर इज द मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर जो है वो लेंस के डायमीटर पे डिपेंड नहीं करती है जी रिजोल्विंग पावर लेंस के डायमीटर पे डिपेंड करती है रिजोल्विंग पावर देखिए लेंस का जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है टेलीस्कोप के अंदर उसका डायमीटर जितना ज्यादा होता है उसका अपरचर एरिया जितना ज्यादा होता है वो ज्यादा लाइट को भी कलेक्ट करता है एंड इवन उसकी जो रिजोल्विंग पावर है वो भी ज्यादा होती है रिजोल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द अपर्चर डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस

कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमम बोले तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो जो इंटेंसिटी है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो होती है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर एंड जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है दैट इज रूट आई वन का होल स्क्वायर वैल्यू यह तो रूट आई प्लस रूट फोर आई मतलब टू रूट आई आई। और इसमें अगर देखें तो रूट आई माइनस टू रूट आई मतलब माइनस रूट आई का होल स्क्वायर आई बचेगा तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो तो नाइन आई आ जाएगा और मिनिमम इंटेंसिटी आई के बराबर आ जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले 28th. 28th की बात करें तो देखिए, स्लिप डिस्टेंस इज थ्री सेंटीमीटर द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड सेवेंटी सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द लाइट इज वन फ्रिंज दिज इज फ्रिंज विथ जो है के अंदर, बीटा तो फ्रिंज विथ बीटा इज इक्वल टू लैमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है कैपिटल डी जो है वो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी जो स्लिट सेपरेशन होता है लैमडा की वैल्यू हमें दे रखी है वन थाउजेंड एंगस्ट्रोम एंगस्ट्रोम बोले तो टेन टू दी पावर माइनस टेन डायमीटर हमें दे रखा है जो सॉरी डायमीटर क्या स्लिट सेपरेशन जो है वो कैपिटल स्मॉल डी है जो कि थ्री सेंटीमीटर एंड जो डिस्टेंस है बिटवीन जो स्लिट्स एंड स्क्रीन वो सेवेंटी सेंटीमीटर गिवन है तो सेवेंटी सेंटीमीटर टू ट्वेंटी पावर माइनस टू अपोन में थ्री सेंटीमीटर स्मॉल डी की वैल्यू टू ट्वेंटी पावर माइनस टू ये इससे कैंसिल आउट हो गया एंड देन फर्दर इसको डिवाइड करना है ये जीरो 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 ये फोर जीरो इससे कट जाएंगे तो सिक्स बचेंगे यहाँ पर अब बस थोड़ा सा ही है सात में तीन को डिवाइड करें अगर अपन तो टू पॉइंट समथिंग ये आएगा और

मिनिमम जो मिलता है फर्स्ट मिनिमम फर्स्ट मिनिमम के लिए कंडीशन होती है साइन है लेमडा की वैल्यू हमें दे रखी है पांच सौ पचास नैनोमीटर ट्वेंटी पावर माइनस नाइन और जो स्लिट विड्थ mm है वो जीरो पॉइंट फाइव फाइव एम एम है जीरो पॉइंट फाइव फाइव एम एम मतलब ट्वेंटी पावर माइनस थ्री तो ये कैंसिल आउट हो गया ये आ गया माइनस का सिक्स ठीक है और दो जीरो भी ऊपर भेज सकते हैं अपन तो ये आ जाएगा माइनस का फोर फाइव okay, फाइव से कट कर दें अपन तो ये टेन आ गया मतलब टेन टू दी पावर माइनस थ्री मीटर सॉरी रेडियन ठीक है आ, ये एक्चुअल वैल्यू है इवन देखा जाए तो तो ट्वेंटी पॉल माइनस थ्री काफी स्मॉल वैल्यू है तो इसको रेडियन में बताना है अपन को थीटा को अपन थीटा के बराबर मान सकते हैं थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो थीटा की वैल्यू जो है वो साइंथीरा थीटा थीटा हो जाएगा थीटा की वैल्यू टू टेंटर माइनस थ्री रेडियन यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जो कि जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन रेडियन के इक्वल है तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका जो मिलता है एंगुलर पोजिशन अभी भी जैसे मैंने बताया था साइन थी थीटा बराबर लेमडा बाई ए है इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन लेमडा बाई लेमडा बाई ए के बराबर मैं थीटा की वैल्यू रख सकता हूँ लेकिन जो भी मिनिमा मिलता है अपन को सेंटर से इधर भी मिलता है और इधर भी मिलता है ये सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है अपन को ये एंगल थीटा होता है यहाँ से और ये वाला एंगल भी थीटा ही होता है तो जो एंगुलर जो विथ है इसकी वो टू थीटा हो जाती है एंड टू थीटा इज इक्वल टू तो टू लेमडा बाई ठीक है और ये हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछी है लेट्स से दिस विथ इज डब्ल्यू एंड दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी सो एंगल ट so, so, करना है तो टू इंटू वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सिक्स हंड्रेड नाइनोमीटर है तो सिक्स हंड्रेड नाइनोमीटर टेंटर माइनस सेवन हो जाएगा ये और कैपिटल डी जो है वो टू मीटर दे रखा हमें टू तो रख दिया स्मॉल ए जो है आ, इज uh, mm तो टू पावर माइनस थ्री हो जाएगा बारह इंटू दो चौबीस ट्वेंटी फोर इंटू टू दावर माइनस फोर इसको अगर हम देखें तो सेंटी ये मीटर में है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो uh, सीधी सी बात है इसमें जो है मिलीमीटर mm में भी लिख सकते हैं हम

डिफ्रैक्शन पैटर्न में उसमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट ली है हमने जिसमें वेवलेंथ जो है डिफरेंट डिफरेंट है और इसमें ये कह रहा है हमें जो फर्स्ट मिनिमम है लेमडा वन वेवलेंथ के लिए ठीक है वो थर्ड मैक्सिमम ऑफ लैमडा टू जो लाइट है वेवलेंथ वाली उसके साथ कॉइनसाइड uh, कर रहा है तो इसका मतलब एंगुलर पोजीशन जो है वो दोनों की सेम होगी

एंगल के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा तो अगर 60 है तो उसके इसमें की वैल्यू आती है ऑफ 60 ये एंगल 60 जो है ये पोलराइजेशन वाला एंगल है जिसको हम हमस्टर एंगल भी बोलते हैं तो 10 60 बोले तो रूट 3, तो बोले की वैल्यू है अब इसके लिए पूछा है कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी तो ऑब्वियसली जो लाइट रे है वो डेंसर से रेरे में जाएगी तो नाइन डिग्री एंगल के लिए हमें क्रिटिकल एंगल पता करना है यहाँ पर तो क्रिटिकल एंगल के लिए हमें कंडीशन पता होनी चाहिए इक्वल टू वन ओवर म्यू सो म्यू इज रूट थ्री तो इसमें करेक्ट ऑप्शन चलिए आगे चलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एट which रिफ्लेक्टेड लाइट rays टोटली totally पोलराइज for the reflection from air to glass is. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है जिससे रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड है अगेन ब्रूस्टर एंगल और ब्रूस्टर एंगल के लिए हमें कंडीशन पता होनी चाहिए जी कंडीशन जो है वो आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू ओके क्योंकि टेन जो आई है टेन थीटा जो है वही म्यू के बराबर है या एन के बराबर है तो आई इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स एन तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल पाथ ऑफ द टू मीडिया इन कॉन्टेक्ट ऑफ द लेंथ डी वन एंड डी टू दिफेक्टिव डेसिज रेस्पेक्टिवली ऑप्टिकल पाथ देखिए अगर टी की कोई स्लैब है और उसका रिफ्टिव अगर म्यू है तो ऑप्टिकल लेंथ होती है mu into t. यहां पर दो मीडिया है है ना दो मीडिया है उनकी लेंथ डी वन एंड डी टू है तो जो इफेक्टिव जो लेंथ होगी या ऑप्टिकल जो पाथ होगा वो हो जाएगा म्यू वन डी वन एंड उसका हो जाएगा म्यू टू डी टू जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज हाफ्ड एंड बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स इज इज डबल्ड ओके फाइनल फ्रिंज विथ इफ ओरिजिनल इज डब्ल्यू तो फाइनल फ्रिंज विथ क्या होगी फ्रिंज विथ जो है वाईडीएससी के अंदर अगर अपन बात करें तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ये कह रहा है सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज

सेक्शन बी पे हम आ चुके हैं और इसका क्वेश्चन नंबर वन जो है वो देखते हैं इन वाईडीसी द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4 ओके पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो हम जानते हैं कि जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव होगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है ओके okay? अगर मैं दोनों स्लिट से जो लाइट आ रही है उनकी इंटेंसिटी अगर आई नोट कंसिडर करूं तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो फोर आई नोट हो जाएगी ठीक है ऑफ ऑफ का होल स्क्वायर स्क्ट हो जाएगा तो जो के है वो फोर आई नोट के इक्वल है और किसी आ, डिफरेंट अगर फेज डिफरेंस के लिए अगर अपन से इंटेंसिटी पूछे तो वो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू कितना आएगा फोर आई नोट को स्क्वायर डेल्टा फाइव आई टू होगा फोर आई नोट की वैल्यू के इक्वल है तो इसको मैं के के इक्वल रख दूंगा और इन टू में डेल्टा फाइव बाई टू है तो डेल्टा फाइव फेस डिफरेंस अपन को दोनों के बीच में पार डिफरेंस दे रखा है लेमडा बाई फोर तो लेमडा बाई फोर से हम फेस डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि रिलेशन बिटवीन फेस डिफरेंस एंड पार डिफरेंटा ये डेल्टा इज लेमडा बाई फोर तो इसको मैं लेमडा बाई फोर रख सकता हूँ

सेंट्रल मैगजीमा ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज फ्रिंज इफ स्लिट विथ इज दिस एंडलिट से देखो ये डिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस का मिक्सड क्वेश्चन है ओके डिफ्रैक्शन एंड इंटरफ्रेंस जो है उसका मिक्सड क्वेश्चन है और हमसे ये पूछा है कि नंबर ऑफ मैग्जीमा जो है वो स्क्रीन पर हम कितने ऑप्टेन कर सकते हैं राइट right? देखिए स्लिट सेपरेशन हमें सेवन थाउजेंड एंगस्ट्रोम दे रखा है और स्लिट विट जो है वो टू थाउजेंड एंगस्ट्रोम दे रखा है है ना देखिए इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर जनरली हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो इसमें डिफ्रेक्शन का भी कॉन्सेप्ट लगाना होता है और जो डिफ्रेक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है सेंट्रल मैक्सिमा ठीक है उसी के अंदर ही सारे के सारे जो इंटरफ्रेंस वाले जो हैं वो मिलेंगे अपन को इस प्रकार इस प्रकार प्रकार से से ठीक है तो इनके नंबर्स हमें काउंट करने पता करने हैं यहां पर तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विट है फर्स्ट ऑफ ऑल उस विट को हमें देखना पड़ेगा यहां पर विट कितनी होगी सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विट होती है ना ये वाली ये अगर मैं टू थीटा कंसिडर करूं क्योंकि जो फर्स्ट मिनिमा मिलता है डिफ्रैक्शन के अंदर वो थीटा पोजिशन पे मिलता है तो थीटा टू थी और जो ये जो वाई डी एस सी वाले जो इंटरफेस वाले मैग्जी है, है ना इनकी जो विथ है इनके जो विथ है वो होती है लेमडा एंगुलर विथ की अगर मैं बात करूं एंगुलर फ्रिंज इक्वल होती है तो इसकी जो एंगलडा बाय स्मॉल डी के बराबर so, तो ये ये तो होगा फिर एन इंटू फाइव एंड फाइव की वैल्यू हो जाएगी लेमडा बाय डी यहां से लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हुआ देन एन की वैल्यू आ जाएगी टू डी थु� बाय इसकी वैल्यू रखें टू डी जो है आ, वो स्लिट सेपरेशन विच इज 7000 एंगस्ट्रॉम एंड ए इज 2000 एंगस्ट्रॉम इससे कैंसिल आउट हो गया दो से दो कैंसिल आउट हुआ नंबर ऑफ जो मैक्सिमास कह सकते हो वो कितने आएंगे यहां पर सेवन आ जाएंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड 37 का ओके वाई डीसी इज कैरीड आउट बाय यूजिंग ग्रीन रेड एंड ब्लू लाइट एंड ऑन कलर एट टाइम द फ्रिंज विड्थ

नेक्स्ट क्वेश्चन इन वाई डी एस एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज टू फॉर्म ए फ्रिंज पैटर्न स्टीड ऑफ लाइट इफ स्पीड इनक्रीज देखिए अगर आपने लाइट की बजाय इलेक्ट्रॉन बीम ली है ठीक है इलेक्ट्रॉन बीम लें वैसे फ्रिंज विथ कितनी होती है, lambda, uh, sorry, ये है. जो है वो फोटो जो आ रहे हैं जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ है

अब का 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 मतलब हुआ कि आपको जो नजर आएगा इनके बीच में, वो constructive होना चाहिए। और ये ध्यान रखना है, है, होती है, तो पाई का phase difference आता है, पर आता आता जब से से होती तो इसमें नहीं आता और जब पाई का एडिशनल फेस डिफरेंस हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या हो जाती है टू एन माइनस वन ठीक है इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं तो ये

तो अब अपन को लेमडा की वैल्यू पता करनी है तो एन की वैल्यू सबसे पहले वन रखेंगे फिर टू रखेंगे फिर थ्री रखेंगे इसे चेक करेंगे कि लैमडा की वैल्यू जो 400 700 के बीच में आएगा वही उसका आंसर होगा सबसे पहले मैं एन की वैल्यू वन रखूं तो ये टू माइनस वन वन हो जाएगा थ्री थाउजेंड जो कि नहीं है चार सौ के बीच में तो वो संभव नहीं है देन बराबर दो रखा तो टू इंटू टू फोर फोर माइनस वन थ्री थ्री रखेंगे तो वन थाउजेंड आएगा वो भी संभव नहीं है एंड देन एन बराबर थ्री रखें तो थ्री इंटू टू जो है वो सिक्स सिक्स माइनस वन फाइव आएगा ठीक है फाइव फाइव से डिवाइड करेंगे तो सिक्स हंड्रेड डायनोमीटर आ रहा है जो कि चार सौ सात सौ के बीच में है जो कि प्रेजेंट भी है यहाँ पर तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट भी देख लेते हैं फाइव के बाद में अगर, अगर अपन चले इसकी इसमें सेवन भी आएगा सेवन से अगर डिवाइड करेंगे अपन तो फोर हंड्रेड समथिंग जो है वैल्यू आएगी लेकिन एग्जैक्टली फोर हंड्रेड नहीं आएगा तो जो कि यहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं ऑप्शन के अंदर तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं

और अपन में यू यू मैं एक्स मान लेता हूँ यहाँ पर तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा यूजिंग साइन कन्वेंशन और माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस का वी बाई होता है बराबर एम मैग्फिकेशन कितना है टू है माइनस माइनस कैंसिल आउट होता तो है वी की वैल्यू टू एक्स आ गई वी यहाँ पे प्लस इसलिए आया क्योंकि इमेज वर्चुअल है और इंसिडेंट रे के अलोंग है इंसिडेंट रे इधर होगी अब ये फॉर्मूला हम जो है मिरर फॉर्मूला के अंदर लगा देते हैं ये जो वैल्यू आई वन ओवर वी की वैल्यू रख देंगे टू एक्स प्लस वन ओवर यू यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स बराबर वन ओवर एफ

यहां दूसरा मीडिया है और ये लाइट रे जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी मतलब मतलब हो। हो। अब इस सरफेस के लिए मैं क्रिटिकल एंगल, एंगल कितना होना चाहिए तो यहां पर मैं बोथ साइड अगर साइन ले लूं तो साइन थीटा ग्रेटर थीटा सी हो जाएगा अब साइन थीटासी की वैल्यू इस सरफेस के लिए कितनी होगी साइन थीटासीज इक्वल टू ओके देखिए इधर तो एक तो मीडियम का इफेक्ट में आ जाएगा और बाहर जो का है, जैसे लेते हैं तो साइन थीटा तो की वैल्यू ग्रेटर में वन फिफ्टी सिक्स आ जाएगा ओके और अगर अपन इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो इलेवन बाई थर्टीन के बराबर आ जाएगी तो सेकेंड ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले उटेशन द एंगल सेकेंड प्रिजम शुड भी ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था उसी टाइप का ही है वैसे ही है इवन एंगल फिफ्टी डिग्री अगर स्माल दे रखा है वैसे स्माल नहीं है लेकिन फिर भी अगर स्माल लिखा हुआ तो उसी कॉन्सेप्ट से ही इसको प्रश्न को करेंगे तो Net जो वो जीरो करना है तो म्यू वाई वन माइनस वन इन टू ए वन अपॉन में म्यू वाई टू माइनस वन इज इक्वल टू ए जाएगा दूसरे प्रिज्म का एंगल जो है वो ए टू है, है ना तो ये विदाउट डेविएशन वाला केस है म्यू वाई वन हम अपन को दे रखा है 1 .5, 1 .5 -1 करेंगे तो ये पॉइंट फाइव आ जाएगा और नीचे म्यू वाई टू जो वन पॉइंट सेवन फाइव दे रखा है माइनस वन करें तो पॉइंट सेवन फाइव आ गया और ए वन हमें फिफ्टीन यहां पर दे रखा है बाकी कुछ नहीं बचा है ये जीरो कर दें इसको हटा देते हैं ये आ जाएगा टू बाई थ्री और थ्री से इसको कट करें फाइव तो फाइव इन टू टेन डिग्री तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो हो जाएगा जाएगा सेकंड डिग्री क्लियर इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन फेस ऑफ देंगलिट फेस Okay? So, very, very right? like रिफ्र एंगल से लाइट रे तो तो हल्का साई है मामूली सा कुछ ऐसा यहाँ से लाइट रे सीधी पास हो गई ठीक है तो एंगल ऑफ प्रिज्मी स्मॉल है, है वेरी वेरी तो आर ओन आर्टो तो भी Even यहाँ पे देखा जाए तो आर टू जीरो होगा क्योंकि एंगल ऑफ वो जीरो आ रही है लाइट तो ई इजीरोन आर टू इज जीरो की वैल्यू एक्जैक्टली आर वन के बराबर हो जाएगी क्योंकि आर टू जीरो तो आर वन हो गया और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है

नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है टू थिन ऑफ फोकल लेंथ एंड एंड आर इन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज देखिए इफेक्टिव फोकल लेंथ जो है वो वन ओवर एफ वन प्लस जब दो लेंस को कंबाइन करते हैं अब यहां से वन ओवर एफ जो है वो तो कॉम्बिनेशन की पावर ही तो है और क्या है

रूट टू इज वन पॉइंट फोर वन फोर तो म्यू वैल्यू अगर वन फोर से ज्यादा है इंसिडेंट ऑन ए पैरल स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड एन इट द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट एंड रेल तो लाइट रे ये, ये, जब स्लैब पर इंसिडेंट होती है तो लेटर शिफ्टिंग कोई कुछ डायबियट इधर होगी फिर डाइवेट होगी तो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है इस के बारे में पूछा है, के होना है। लेकिन इसने कहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज वेरी स्मॉल तो लेटर शिफ्टिंग का सिंपल फॉर्मुला होता है टी इंटू आई -1 mu, या 1 -1 यहां पर आई की वैल्यू एन है, 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 है लेकिन ये कब लगता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है काफी स्मॉल होता है तो इसको डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए पॉइंट लुमिनस ऑब्जेक्ट ओ इज डिस्टेंस एच फ्रॉम द फ्रंट फेस ऑफ द ग्लासैब विध टी एंड ऑफ द रिफ्रैक्ट ने ब्लैक स्लैब एंड ऑब्जर्वर सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दीर डिस्टेंस ऑफ द फ्रंट फेस एज द बायजर्वर विल बी तो इस फेस का जो फ्रंट फेस है इस स्लैब का वहां से इमेज की डिस्टेंस कितनी दूरी पर दिखेगी वो पूछा है हमने तो देखिए यहां पर आई है ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या होगा इस प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा अगर ऑब्जेक्ट एयर के अंदर है और इमेज uh, जो है रिफ्रैक्शन के कारण हो रही प्लेन सर्फेस uh, से रिफ्रैक्शन के कारण इमेज ऊपर बनेगी सबसे पहले इससे लाइटर यहां लेके जाओगे रिफ्रैक्शन हुआ प्लेन सर्फेस से तो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनती है म्यू इन टू में एच है तो ये डिस्टेंस बन गई न्यू एच तो ये जो इमेज बनाई मैंने ये इस रिफ्रैक्शन की इमेज बनी जो कि रे अंदर जा रही है उसकी फिर लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होगी मिरर के लिए ये जो इमेज बनी थी ऑब्जेक्ट काम करेगी जो कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी प्लस उतना को उतना मिरर से बैक साइड में यहां पर इमेज इमेज बनेगी जो कि डिस्टेंस हो जाएगी ये बन गई उसके बाद में लाइट रे वापस यहां से प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी अब इसी रिफ्रैक्शन के लिए अगर हम देखें तो इस सरफेस uh, से डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट uh, है क्योंकि इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी प्लस डी प्लस म्यू एच विच इस

ये जो ऑप्शन है हमारे सामने वो है जी फर्स्ट ऑप्शन ठीक है चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कोनके मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर इज मेड टू ऑसिलेट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस विद टू 2 एमएम द एम्पलीटूड ऑफ इट्स इमेज विल बी देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है कौन मिरर से रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है सबसे पहले बात आती है इसकी इमेज कहां पे बनेगी वन ओवर वी प्लस वन ओवर यूर यू इज माइनस ट्वेंटी सॉरी माइनस फिफ्टीन बराबर एफ के मिरर है कौनके मिरर का रेडियव ट्वेंटी सेंटीमीटर मतलब इसका जो फोकल लेंथ होगा टेन होगा बट माइनस का टेन होगा तो वन ओवर वी इज इक्वल टू ये आ जाएगा एलसीएम ले लो इसका तो गया 30, 15, आ, ये 2 आ जाएगा, ये ये आ आ आ आ गया जाएगा जाएगा तो वैल्यू कितनी गई बी की बी आ जाएगा माइनस का थर्टी सेंटीमीटर तो जो इमेज है वो माइनस थर्टी सेंटीमीटर पर फॉर्म होगी ये तो ठीक है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेट हो रहा है तो हमें जो यहाँ पर जो लीनियर मैग्निफिकेशन लेना है लॉन्गिट्यूनल मेग्निफिकेशन लेना है ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस कह लो तो लॉन्गिटूनल जो मैग्निफिकेशन क्योंकि ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा ऑसिलेट हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना है टू एम एम है

तो की है और यू की वैल्यू थर्टी आ चुकी है हमारे पास, 15 से कट करें तो कितना आएगा टू आएगा टू का हो जाएगा 4. इसका मतलब ये मैग्निफिकेशन uh, है length के principal axis के लो. तो टू एम एम है ऑब्जेक्ट का, का तो इमेज का जो एम्पलीट्यूड होगा का टू इंटू में जो है सॉरी टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा होगा में 2 मतलब 8 mm, इसका आ जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले

ठीक है और मेन चीज क्या है इसमें जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट जहां कहीं पे भी रखा है इस ऑब्जेक्टिव से उसकी डिस्टेंस यू है इसकी जो इमेज बनती है इंटरमीडिएट इमेज वो रियल बननी चाहिए रियल बनती है वी है और रिलैक्स आई से अगर आप देख रहे हो यहां से अगर आप देखोगे तो इसका मतलब ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी और वो इसके फोकस पे बन रही है तभी फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी इन्फिनिटी भी रिलैक्स आई का मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बननी चाहिए तो ये तो लेंथ एफ ई के बराबर होगी एग्जैक्टली लेंथ ऑफ आई पीस ठीक है तो ट्यूब की जो लेंथ है उसमें क्या करना है हमें एफ ई प्लस में वी कैलकुलेट करना है मैग्नीफाइंग पावर जो है वो फोर्टी फाइव है मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है माइक्रोस्कोप की फोर्टी फाइव इज इक्वल टू वी बाई यू ठीक है इन टू में डी बाई एफ यू

रियल बन रही है तो वी पॉजिटिव होगा माइनस वन ओवर यू ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है वो रेल है इस तरफ तो माइनस का साइन लेना पड़ेगा का है। है, तो ये वन आ गया। यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया नाइन प्लस वन बाई वी मतलब टेन बाई वी आ जाएगा एंड वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर टेन सेंटीमीटर तो ये जो डिस्टेंस है वो टेन सेंटीमीटर के बराबर है वी की वैल्यू और ये f जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर तो तो ट्यूब लेंथ कितनी आ जाएगी 5 प्लस 10 मतलब 15 सेंटीमीटर तो माइक्रोस्कोप की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ओके तो ये था आपका पेपर आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा ओके थैंक यू